हरियाणा के नारनौल में नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्य देख रहे एक सर्वेयर सहित बीजेपी नेता की पुत्री को विजिलेंस टीम ने देर शाम 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद विजिलेंस टीम उसे शिवाजी नगर स्थित विजिलेंस कार्यालय ले आई, जहां पर टीम आगामी कार्यवाही में लगी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में बनने वाले घरों के लिए नारनौल शहर के पंकज कुमार नामक एक युवक ने नगर परिषद में अप्लाई किया हुआ था। इसके लिए नगर परिषद में स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यालय में कार्यरत सर्वेयर अर्जुन कुमार से वह कई बार मिला, लेकिन अर्जुन उसके कई बार चक्कर लगवाता रहा। इस पर पंकज ने अर्जुन से उसका काम करने की बात कही, तो जिस पर अर्जुन ने पंकज से 20,000 रुपए की डिमांड की। यह बात पीड़ित ने विजिलेंस टीम को बताई है। ये पीएमआवास योजना का जो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है, उनको जो मकान के लिए आवेदन किए हुए थे उनसे पैसे की किस्त अलाट करने के लिए रिश्वत की मांग करते थे, जिसमें दीपिका नाम की एक महिला MIS पोस्ट पे नगर परिषद में तैनात, उसको गिरफ्तार किया है और एक उसका जो सर्वेयर है अर्जुन उसको गिरफ्तार किया गया है और ये रिश्वत के 15,000 की रिश्वत रखी हाथों अर्जुन पकड़ा गया है। फिलहाल विजिलेंस टीम मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी अर्जुन के बयान अनुसार इस मामले में MIS के पद पर कार्यरत बीजेपी के नेता की पुत्री दीपिका को भी गिरफ्तार कर लिया है। नारनौल से भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।